नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। एक चुनाव खत्म हुए नहीं कि दूसरे चुनाव शुरू, इसीलिए मोदी जी सही कहते हैं कि एक समय में देश के सारे चुनाव हो जाने चाहिए। इससे खर्चा बचेगा, समय बचेगा और जो आम जनता है वो बार बार लाइन में लगकर वोट नहीं दे उसकी परेशानी भी खत्म होगी। खैर, अब लोकसभा के चुनाव। इन दिनों सांसदों में कई सारे नए नाम आ रहे हैं। आज हम पाली की बात करते हैं तो पाली में पीपी चौधरी अभी सांसद हैं, दो बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब एक नया नाम तेजी से उभर कर आ रहा है, राम प्रकाश चौधरी। उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें रामसा कहते हैं। तो मैं उन आसपास के लोगों से मिला, दो बार मिला और उनसे जो बातचीत हुई, जो निकल कर आई वो ये है कि राम प्रकाश चौधरी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है और उनका जो व्यवसाय है वो कृषि का काम भी करते हैं और खनन का व्यापार भी है। और एक लंबी चौड़ी सूची, जो मैं सारी तो नहीं बोल पाऊंगा लेकिन जितनी सारी मैं लिख कर लाया हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एमकॉम स्वर्ण पदक, गुड। व्यवसाय कृषि व खनन, खेलकूद बास्केट, हाँ 6'2" है तो बास्केट सही है। बास्केटबॉल राष्ट्रीय, एथलेटिक्स में राज्य स्तरीय, क्या बात। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 10 साल से सक्रिय। तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के सामने आरसीए की अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। वैभव गहलोत के सामने चुनाव लड़ना, उस वक्त तत्कालीन सरकार, आज की तत्कालीन, उस वक्त की वर्तमान थी, और मुख्यमंत्री के बेटे के सामने उसको हराने के लिए चुनाव लड़ना एक तरह से पंगा लेने वाली बात थी। लेकिन चौधरी है, पंगा ले बैठे। चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, मुझे क्या कहा जा रहा था कि मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, हम खरीद लेंगे, दंगा देंगे। मैं राम प्रकाश चौधरी इस सरकार के खिलाफ आरसीए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। ये सीपी जोशी जी की जो रणनीति थी, एक महाभारत हुआ था उस समय, एक महाभारत आज आरसीए के अंदर हो रहा है। यहाँ पुलिस लगातार पिछले एक महीने से हजारों की संख्या में हमारे पीछे पड़ी, हमारी गाड़ियां चेक हो रही है। जो हमारे जिला सभा के सचिव हैं उनका विवेकग्रहण करेगा। चुनावी गणित तो हमारी चुनाव अधिकारी ने बिगाड़ दी। चूंकि भाजपा से हैं तो उनको लगा कि हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, शायद इसीलिए उनको हराने के लिए चुनाव लड़ा। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो सूची बहुत लंबी है, वाकई लंबी है, मैं सारी नहीं बोल पाऊंगा। वर्तमान में प्रदेश सह संयोजक मीडिया संपर्क विभाग, नागौर जिला नगर परिषद चुनाव प्रभारी 2021, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा 2018 में सक्रिय भूमिका निभाई। संयोजक सदस्यता अभियान 2012 व 2014 देहात, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा देहात 2011 से 13, पूर्व सह संयोजक स्वदेशी मेला, स्वदेशी जागरण मंच, पूर्व निदेशक राजस्थान आवासन मंडल, पूर्व प्रदेश प्रचार मंत्री युवा मोर्चा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी, पूर्व जिला प्रभारी, सिंडिकेट सदस्य, छात्र संघ अध्यक्ष, संरक्षक राजस्थान, यूथ जाट एसोसिएशन वगैरह वगैरह वगैरह। खूब सारे और लिखे हुए लेकिन मैं इतने सारे, आप समझ सकते हैं कि भाजपा में बड़े लंबे समय से सक्रिय हैं, युवा हैं और इनके आसपास के जो लोगों से मिला उन्होंने जो बातें बताई वो कुछ हैरान करने वाली इसलिए है कि वो केवल राजनीति की बात नहीं करते, हर विषय में पकड़ रखते हैं। अगर उनसे धार्मिक बात कर ली जाए तो ऐसा लगता है किसी बाबा जी के सामने बैठे हैं, उनसे रावण की बात कर जाए तो रावण की पूरी पोथा लेके बैठ जाएंगे, राम की बात करें तो 2-4-6 घंटे बोल सकते हैं, भगवान कृष्ण की बात करें तो किस शब्द में, किस छंद में, कब क्या बोला गया, कब पैदा हुए, माँ कौन थी, ये हुआ वो हुआ, फिर उस वक्त वो वध कर दिया, उसका ऐसा कर दिया। मतलब आसपास के लोगों ने बताया कि जब वो भगवान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी साधु संत के सामने बैठ गए और सारी बातें आज ही कर डालेंगे। बहुत से लोग बड़े इंप्रेस हैं उनसे, कई लोग कहते हैं कि और वो कपड़े भी बड़े शानदार पहनते हैं, कि वो कपड़ों में समझते हैं कि वो फला जो है कंपनी ये कपड़ा निकाल रही है, फला कंपनी ये निकाल रही है, या आज राजनीतिक में ये हो रहा है, फला मुख्यमंत्री सन उत्ते में जीते थे फिर उनकी ऐसे मृत्यु हुई थी, सन उत्ते में उन्होंने ऐसा कहा था फिर वो इतने वोटों से जीते थे, फला मंत्री ऐसे बने थे, मतलब हर विषय पर जानकारी। अच्छी बात है, एक युवा अगर सजग है तो जानकारी रखनी चाहिए। मतलब वो मात्र राजनीतिक की बात नहीं करते, वो सभी विषयों में पारंगत है, होशियार है, समझदार है, ऐसा कहा जाता है। मैं उनसे मात्र एक दो बार मिला था, अच्छे व्यक्ति हैं। 6'2" उभरता हुआ कद, उभरते हुए नेता, शानदार व्यक्तित्व, प्रभावित हुआ मैं भी उनसे मिलकर। और ये जो सूची मेरे पास है इतनी लंबी चौड़ी, और भी बहुत लंबी है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इन दिनों सुना है कि पाली के जो लोग हैं, मैं पाली गया 2-3 बार, वहां के लोगों से मिला तो पाली के लोगों ने कहा कि हम पीपी चौधरी से अब परेशान हो चुके हैं। शायद पीपी चौधरी एक अच्छे नेता हैं जो अच्छे बोलते हैं
लेकिन वो काम नहीं करते, ये उनकी कमजोरी है। भाजपा में शायद ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। भाजपा अब जो भाजपा है, जो भाजपा बदल रही है, भाजपा बदल चुकी है, देश बदल रहा है, उस अंदाज में वो नेता बदल रहे हैं। तो जो नेता काम नहीं करता उसकी रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। जनता अगर परेशान है, उनके अपने जो आसपास रहते हैं वो भी परेशान है, क्योंकि जब लोग आसपास किसी नेता के रहते हैं तो लोग विश्वास के साथ उन्हें काम बताते हैं कि भाई साहब एक काम है, थोड़ा सा करवा दीजिए, ये सिस्टर का काम है, मेरी चाची जी का काम है, या मेरे फादर की समस्या है, या मेरी समस्या है। तो लेके जब जाते हैं तो वो अपने नेता के पास जाते हैं, पीपी चौधरी सांसद हैं वहाँ के, वो काम नहीं करते, वो केवल बातें करते हैं। लोग उनको अक्सर मीठी मौसी कहते हैं कि यार केवल बातें करते हैं, हमारे काम नहीं करते। तो साथी धीरे धीरे कट रहे हैं। अब साथी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत बोलिएगा, समाचार पत्रों में छापे तो नाम मत छापिएगा। उन्होंने कहा कि हम खुद परेशान हैं नेताजी से कि केवल भाषण देते हैं, मीठी बातें करते हैं, हमारे काम नहीं होते, आम जनता के काम नहीं हो रहे। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यार हम लोग पोस्टर लगाने की सोच रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश, हमारे नेताजी गुमशुदा है, वो अक्सर आते हैं, मीटिंग लेते हैं, मीडिया वालों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, कोई खास खास लोगों से, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। आम जनता उनको ढूंढ रही है। अगर पीपी चौधरी ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन जितना उनके बारे में अभी पाली से सुनकर आ रहा हूं, बड़ा दुख हुआ कि यार भाजपा जो इतनी बदल चुकी है, इतने अच्छे काम कर रही है, वो ऐसे मोदी जी के साथ उनकी टीम में रहकर अगर ऐसे कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ऐसे में अगर राम प्रकाश चौधरी का नाम तेजी से उभर रहा है तो मैं सोचता हूं राम प्रकाश चौधरी को सांसद टिकट मिलने की बहुत संभावना है, काफी करीब है, और वो जीत कर जनता की सेवा करेंगे। कोई नया नेता जब आता है ना तो तेजी से धड़ाधड़ काम करते हैं, क्योंकि उनको अपनी छवि चमकानी होती, अपनी राजनीतिक मजबूत करनी होती, अपनी पकड़ दिखानी होती है। ऐसे में पीपी चौधरी दो बार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी तरह शायद राम प्रकाश चौधरी जैसे नए व्यक्ति को दो बार मौका मिलना चाहिए। अगर एक बार जीतते हैं और काम करेंगे तो मौका दूसरी बार भी मिलेगा, वरना एक ही बार में नेता निपट जाते हैं। तो राम प्रकाश चौधरी के बारे में जैसा सुना है कि वह काफी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, लोगों के काम करते हैं, आम जनता में उनकी अच्छी पैठ है, और अपने लोगों से बड़े अच्छे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किस्से सुने, मैं एक दो छोटे मोटे किस्से सुनाता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उनसे बात कर लें कि यार गुजरात में एक फला कपड़ा मिलता है, अगर वो यहाँ जोधपुर में मिल जाए तो हमारा थोड़ा व्यापार सेट हो सकता है। तो अगले 10 मिनट बाद वो किसी बड़े व्यापारी से बात कर रहे थे, ग्लो बात करो, ये मेरे भाई हैं जोधपुर में, इनको काम है आपसे। अगर कह दो कि यार दुबई में एक ऐसा फला पत्थर जो यहाँ से सप्लाई होता है, अगर हम सप्लाई कर सकें तो आधे घंटे बाद किसी दुबई के दोस्त से बात करेंगे, लो बात करो, ये मेरे मित्र हैं, इनको आपसे काम है। आप कहते हैं कनाडा में ऐसा एक काम है, एक सरदार जी हार हमारे मित्र हैं उनसे ऐसा, तो कनाडा बात करेंगे। मतलब उनकी पहचान, उनकी पकड़, रिश्ते रखने की जो पकड़ है वो बड़ी अच्छी है, और अच्छी बात है। आमतौर पर लोग रिश्ते तभी रखते हैं जब जरूरत होती है, लेकिन चौधरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राम प्रकाश चौधरी जो है रिश्तों को बड़ा लंबा रखते हैं। जाट है, चौधरी है। अच्छा, पीपी चौधरी के बारे में लोगों ने कहा कि वो चौधरी नहीं है, शायद वो सिरवी हैं और चौधरी लगाते हैं, तो इस गलतफहमी में भी शायद जाटों ने उनको वोट दिया था। तो राम प्रकाश चौधरी के बारे में ऐसा सुनता हूं मैं कि वो रिश्ते खूब रखते हैं। 20-30 साल पहले अगर किसी से मिले हैं तो आज भी फोन नंबर अपने पास रखते हैं, अक्सर उनको होली दीपावली बातचीत करते हैं, रिश्तों को रिचार्ज करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। चलिए, अगर राम प्रकाश चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, जनता चाहती है कि राम प्रकाश चौधरी आए, उनको टिकट मिले और वो यहाँ से जीते और वहां का विकास करें, तो मैं भी शुभकामनाएं दूंगा राम प्रकाश चौधरी को। मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।